नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर परिवार में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उदय क्लास में आपको पिछले कालांश में 101 से लेकर 150 तक की गिनती का अभ्यास कराया गया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 151 से लेकर 200 तक की गिनती का अभ्यास करेंगे और गिनती को बोलकर लिखेंगे। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। शुद्ध बोलना, अंकों को सही तरीके से बोलना। 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 169 यानी 170 से एक कम। 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199। अब एक के बाद कितने आते हैं? दो। तो 199 के बाद आएंगे 200। इस प्रकार हमारी 101 से लेकर 200 तक की गिनती पूरी हुई। अब हमें गिनती का अभ्यास, पहाड़ों का अभ्यास बोलकर करना है, बोलकर लिखना है, अंकों को सही तरीके से लिखना, अंकों को समान अंकों के साथ लिखना। जैसे हम इकाई, ढाई, सैकड़े तीनों अंक लिख रहे हैं तो जितना बड़ा हमारा एक है उतना ही बड़ा पांच और उतना ही बड़ा एक, तीनों को समान अंक के साथ लिखना, तीनों को बराबर लिखना, तो आपके अंकों की बनावट सही हो जाएगी। ग्रह कार्य में हमें 101 से लेकर 200 तक गिनती बोलकर लिखना। आपको प्रत्येक कालांश में बताया जाता है कि जो भी हम ग्रह कार्य करते हैं उसको बोलकर करना चाहिए। धन्यवाद।